राजधानी दिल्ली में बजट सत्र का आगाज होने के साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2018 यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2018 पेश किया। हर साल बजट से ठीक पहले देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, लेकिन यह आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, आइए आपको बताते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय की ओर से पेश की जाने वाली आधिकारिक रिपोर्ट होती है। इसे सालाना आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि साल भर देश में विकास का रुझान कैसा रहा, किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ और कितना विकास हुआ। साथ ही इसमें बताया जाता है कि योजनाओं को किस तरह अमल में लाया गया और जो योजनाएं लागू की गई थी उनके क्या परिणाम रहे। आर्थिक सर्वेक्षण भविष्य में बनाई जाने वाली नीतियों के लिए एक दृष्टिकोण का काम करता है। तो आपने ये तो समझ लिया कि आखिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। अब बताते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2017 से 18 की ऐसी 10 बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आया है कि साल 2017 से 2018 में नोट बैन और जीएसटी के फैसलों के बाद भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स के रजिस्ट्रेशन में भारी बढ़ोतरी हुई है। दूसरे देशों के मुकाबले भारत के राज्यों और लोकल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन कम रहा है। वहीं इंटर स्टेट और इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी की वजह से राज्यों की संपन्नता में वृद्धि हुई है। सर्वेक्षण में सामने आया है कि भारत का एक्सपोर्ट सेक्टर इस समय वर्तमान विकासशील देशों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। वहीं कृषि की बात करें तो फॉर्मल गैर कृषि क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या अनुमान से कहीं ज्यादा बढ़ी है। इस साल एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.1% रही है। वहीं ज्यादा खराब मौसम में खेती और फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता रहा है। वहीं सरकार द्वारा दिए गए टेक्सटाइल इंसेंटिव पैकेज की वजह से रेडीमेड गारमेंट के एक्सपोर्ट में बूस्ट आया है। इस साल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8% तक पहुंची है। वहीं सर्वेक्षण में जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि भारतीय माँ बाप में बेटी की चाहत बहुत ज्यादा है। आर्थिक सर्वेक्षण को देश के भविष्य के लिए अनुमान और नीतियों के लिए सुझाव द्वारा एक आधार माना जाता है। अब इस बार के सर्वेक्षण से सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं ये वक्त दर वक्त मालूम पड़ता जाएगा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।